हमारे किचन में जिसमें बेशुमार मसाले होते हैं और वो मसाले हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई तरह से लाभदायक होते हैं। मिर्च और हल्दी की तरह ही अजवाइन को भी लोग सबसे ज़्यादा मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्वास्थ्य को कई समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। अजवाइन में प्रोटीन, फैट, खनिज पदार्थ, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा अजवाइन में कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस, आयरन और नियासिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अजवाइन का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इस वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अजवाइन पेट की कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी में आराम मिलता है। मानसून में अजवाइन की चाय के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अजवाइन टी। अजवाइन की चाय को सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अजवाइन को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। अजवाइन को पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। अजवाइन की चाय फाइबर का बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। बरसात के दिनों में अजवाइन की चाय पीने के फायदे। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है उन्हें अजवाइन का सेवन करना चाहिए। अजवाइन में पाया जाने वाला तेल पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अजवाइन की चाय के सेवन से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है। एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए इन दो कारगर चीज़ों से बनाए ड्रिंक का रोज सुबह सेवन करें। मौसम में बदलाव होने से सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। अजवाइन की चाय पीने से सर्दी जुकाम, खांसी, जकड़न जैसे वायरल संक्रमण से भी बच सकते हैं। अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो आप अजवाइन की चाय का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन की चाय फाइबर का बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। फाइबर शरीर में फैट की मात्रा को कंट्रोल रखने में मदद करता है। कैसे बनाएं अजवाइन की चाय। अजवाइन की चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में एक गिलास पानी उबालना है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालें और इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा कप ना बचे। उबालने के बाद इसे एक कप में डाल दें। अगर आपको इसका स्वाद कड़वा लग रहा है तो आप इसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे भारतीय परंपरा में बहुत पहले से हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।